अगली खबर बुलंदशहर से, जहां जिला कारागार के कैदियों को तनाव मुक्त रखने के लिए बुलंदशहर जेल प्रशासन ने एक अनूठी पहल करते हुए कारागार में रेडियो स्टेशन बनाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, इस रेडियो स्टेशन को ऑपरेट करने का काम भी जेल में बंद कैदी ही कर रहे हैं। जी हां, कैदी ही रेडियो जॉकी बनकर अन्य कैदियों के मनपसंद गाने सुना रहे हैं। ये रेडियो स्टेशन कारागार में बंद कैदियों के मनोरंजन का केंद्र बना हुआ है। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि तस्वीर में दिख रहा है ये रेडियो स्टेशन और लैपटॉप के जरिए कान पर ईयरफोन लगाकर रेडियो स्टेशन को ऑपरेट कर गाने चला रहा रेडियो जॉकी की तरह दिखने वाले ये व्यक्ति कोई रेडियो जॉकी नहीं, बल्कि बुलंदशहर जिला कारागार में निरुद्ध एक कैदी है, जो कि जिला कारागार में बने रेडियो स्टेशन में रेडियो जॉकी बनकर रेडियो स्टेशन को ऑपरेट कर रहा है और कारागार में बंद कैदियों की फरमाइश पर उनके मन पसंदीदा गाने चला रहा है। गौरतलब है कि जेल प्रशासन द्वारा जिला कारागार में रेडियो स्टेशन बनाने का मकसद कारागार में निरुद्ध कैदियों को तनाव मुक्त रखना है। जी हां, जेल अधीक्षक ओपी कटियार के मुताबिक कारागार में निरुद्ध कैदियों का बाहरी दुनिया से संपर्क टूट जाता है और वह अपने केस माहौल और परिवार को याद कर तनाव में आ जाते हैं। इस तनाव को दूर करने के उद्देश्य से ही इस रेडियो स्टेशन का निर्माण करवाया गया है, ताकि उनके मन पसंदीदा गानों को सुनकर कैदी तनाव मुक्त रहे और साथ ही समय समय पर रेडियो के माध्यम से कैदियों को देश के इतिहास, धार्मिक ज्ञान और ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में भी जानकारी दी जाए, जिससे तनाव दूर करने के साथ कैदियों का ज्ञान वर्धन भी किया जा सके। जी हां, इस रेडियो स्टेशन से कैदी काफी पसंद कर रहे हैं। जिला कारागार में कैदियों के लिए लाइब्रेरी और ई क्लास की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें टीवी स्क्रीन के माध्यम से कैदियों को पढ़ाया भी जा रहा है। वहीं जिला कारागार पहुंचे जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने भी रेडियो स्टेशन का मुआयना किया और जेल अधीक्षक ओपी कटियार व जेल सुधार कार्यकर्ता प्रदीप रघुनंदन की इस पहल के लिए उनकी तारीफ के साथ साथ यह सलाह भी दी गई कि रेडियो स्टेशन पर फिल्मी गानों के साथ ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी भी कैदियों को दी जाए, जिनसे कैदियों को देशभक्ति की भावनाओं का प्रसार किया जा सके। और मैं जिला कारागार बुलंदशहर में पिछले 3 साल से निरुद्ध हूँ। मैं यहाँ रेडियो जॉकी का कार्य करता हूँ। जेल में जिला कारागार बुलंदशहर में रेडियो स्टेशन की स्थापना हुई है, जेल रेडियो की, जिसमें आपकी पसंद का फरमाइश का गाना चलाया जाता है, जिसमें जो बंदे यहाँ पे जो भी बंदे हमारे भाई बंधु बंद हैं, वो अपनी फरमाइश का कोई भी गाना हमको लिख के देते हैं और हम उस गाने को उनकी फरमाइश पे प्ले करते हैं। ये लगभग सभी बंदियों को काफ़ी पसंद है, रोज़ अपनी फरमाइशें देते हैं, 100-200 गानों की फरमाइशें आती हैं। बंदियों की मानसिकता में बदलाव करने के लिए और उनके अंदर जब जेल में आते हैं तो तनाव हो जाता है, घर की परिवार की और मुकदमे की तमाम चिंता हो जाती है, उसको दूर करने के लिए, तनाव मुक्त करने के लिए और उनकी पसंद के गाने उनको सुनाने के लिए ये जेल रेडियो की स्थापना कराई गई है। इसमें बंदियों की जो फरमाइशें होती हैं, फिल्मी गाने हैं, गज़ल है, कव्वाली है, या जो देश प्रेम के गाना सुनना चाहते हैं, जो भी उनकी फरमाइशें हैं वो सब कलेक्ट की जाती हैं। कलेक्ट करके वो इंटरनेट से डाउनलोड की जाती हैं और डाउनलोड करके जो एक बंदी है वो इसको जो है, जो रेडियो जॉकी का काम करता है वो इसको सुनवाता है। अब इसमें एक और जो है, जेल प्रशासन ने विचार किया है कि प्रतिदिन जो हमारी ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं वो भी प्रतिदिन उसकी दिन तिथि के अनुसार वो घटनाएं भी बताई जाएं, ताकि बंदियों में और ज्ञानवर्धन भी हो, उनके अंदर जो है मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन भी हो और उनको जो घटनाएं हैं वो उनको देश प्रेम से जुड़ी हुई जो घटनाएँ हैं, राष्ट्र प्रेम से जुड़ी हुई जो घटनाएँ हैं और जिन लोगों ने राष्ट्र को, देश को स्वतंत्र कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई है या शहीद हो गए हैं, उनके संबंध में डेवलपमेंट प्लस उनकी जानकारी के लिए शुरू किया गया है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसके माध्यम से जहां लोगों के, बंदियों के इंटरटेनमेंट के लिए गाने चलाए जाते हैं, वहीं हमने सजेशन दिया कि वर्ष का प्रत्येक दिन, अगर उस दिन कोई हिस्टोरिकल घटना हुआ हो, स्पेशली आज़ादी की लड़ाई, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित, अगर किसी देशभक्त का जन्म हुआ हो या अन्य घटनाएं हुई, तो उसको भी सुबह में बंदियों को सुनाया जाए, ताकि उनके इंटरटेनमेंट के साथ साथ उनका ज्ञान वर्धन भी हो और उनमें राष्ट्रहित की देश। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।